हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं बैक ट्रेन करने वाला हूँ और मैंने बहुत कोशिश की कि जिम में मैं बताऊँ आपको कि एक्सरसाइजेस कैसे परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन जिम में साउंड इतना ज़्यादा लाउड होता है कि मेरा आवाज़ ठीक से आ नहीं पाता है। और मैंने चाहता कि आपको ऑडियो के इश्यूज़ हो, वीडियो में थोड़े से माइक में यूज़ करता नहीं हूँ बिकॉज जिम में बहुत ही ज़्यादा मैं जोन में रहता हूँ मेरे, और फिर वो माइक लगाना एंड ऑल फिर मुझे प्रॉपर नहीं लगता है वो, नहीं तो फिर पूरा ध्यान जो है वो जिम से हटकर पूरा वीडियो में आता है, तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो मैं कोशिश करूंगा कि नीचे जो जैसे सबटाइटल्स होते हैं ना, वैसे मैं मैसेजेस धीरे धीरे जो भी है, जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है काइंड ऑफ, मैं वो नीचे वीडियो के डालूँ तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बीच बीच में अगर मुझे लगा कि कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर वॉइस ओवर कर दूंगा वीडियो के अंदर अगर मुझे कुछ लगता है कि यार ये पॉइंट स्पेसिफिक बताना चाहिए तो। सो चलते हैं जिम के अंदर और एंजॉय द वीडियो। मैं मेरे हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको छोटे छोटे टिप्स मेरे साइड से जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक मैं आपको देते जाऊँ। तो ऐसा ही एक मिसकंसेप्शन है कि आजकल जो जा रहे हैं, नए नए जिम ज्वाइन किया है या फिर जिनको एक्सपीरियंस है, वो लोग भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं। उनको लगता है कि ज़्यादा वेट यूज़ करने से या ज़्यादा वेट लगाने से उनका जो मसल साइज़ है, मसल मास है, वो बढ़ेगा, यानी कि मसल बढ़ेगा। तो दिस इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, इसमें थोड़ा सा सच भी है और ये एकदम से सच भी नहीं है। तो दो डायमेंशंस है इस क्वेश्चन को। अब जब बात आती है मसल मास बढ़ाने की, तो आपको कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। कैलोरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि आपको, आप जो कैलोरीज खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो करंट फेज में, आपको थोड़ी सी कैलोरीज और बढ़ानी पड़ेगी। तो डाइट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको मसल मास बढ़ाना है तो। लेकिन आजकल लोगों को लगता है कि ज़्यादा वेट उठाने के चक्कर में, डाइट तो उतना ही रहता है, वेट ज़्यादा लगाते हैं, गलत फॉर्म में लगाते हैं, इंजरीज होती है फिर भी। और सबसे कॉमन एक्सरसाइज जो मैंने देखी है जिम के अंदर, जो जिसपे ज़्यादा वेट लगाते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है लोगों को कि मैंने अगर वेट नहीं लगाया तो लोग क्या बोलेंगे, तो लोगों का सोचो मत, ये आपकी बॉडी है, ठीक है, आप अपनी बॉडी ख़राब कर रहे हो। अगर आपको इंजरीज हुई तो उनको कोई नुकसान होने नहीं वाला है, वो तो जिम आएंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप घर पर बैठ सकते हो, ठीक है। आपको अगर इंजरी हुई तो आपको घर पर बैठना पड़ेगा।
तो डेडलिफ्ट एक बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है जो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा वेट लगा लेते हैं, फिर बैक जो है वो आपकी इस पोजीशन में रहती है, फिर आप ऐसे उठाते हो, तो ऐसा इसका कोई यूज़ नहीं है, वो आपके बैक पे तो आ ही नहीं रहा है। आप अपने लोअर बैक इंजर कर सकते हो, आपका यू नो बैक का जो पूरा स्पाइन का पोर्शन होता है वो आप इंजर कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होता है जब आपको इंजरी होती है इस तरह की, कुछ भी गलत एक्सरसाइज करने के चक्कर में आप अपने आप को बहुत मुसीबत में डाल देते हो। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। 5 kg, 10 kg हर वीक में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि पिछले हफ्ते में 50 किलो किया तो इस हफ्ते में आके आप 80-90 किलो कर रहे हो, नहीं करना है वैसा। फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और डेडलिफ्ट एक बहुत ही डेंजरस एक्सरसाइज है, वन ऑफ द डेंजरस एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपका फॉर्म, आपका अगर ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें यू नो देखने में बहुत सिंपल लगता है कि क्या सिर्फ झुकना है, रॉड को उठाना है और फिर आके पटक देना है नीचे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके पीछे आपको जानना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को। तो ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, आपको स्ट्रेंथ आपका जो है वो कहाँ से, आपको यू नो मराठी में बोलते हैं कि हम लोग जोर, या फिर आपको प्रेशर कहाँ से लगाना है, कौन सा प्रेशर पॉइंट है, वहाँ से आपको वेट उठाना है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। अब मैं अगर बोलूँगा कि आपको हैमस्ट्रिंग्स का भी यूज़ करना है डेडलिफ्ट उठाते वक्त, तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार हैमस्ट्रिंग्स का क्या काम है। तो यही होता है, ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं लोग। लोग सिर्फ ऊपर का जो आपका अपर स्ट्रेंथ होता है और आपकी जो आर्म का जितना भी स्ट्रेंथ होता है उधर से उठाते, वहाँ से उठाने के चक्कर में आपका बैक जो है वो पूरा ऐसा बेंड हो जाता है, ठीक है। तो आपको बैक बेंड नहीं करना है, धीरे धीरे करके आपको वेट बढ़ाते जाना है। सही फॉर्म में अगर आपका ट्रेनर है वहाँ पे, तो ट्रेनर को पूछो कैसे करना है। अगर ट्रेनर भी गलत बता रहा है तो यूट्यूब पे वीडियोज़ है वो जाके देखो, या फिर मैं जो अपने वीडियोज़ में डेडलिफ्ट करता हूँ, कभी कभी मेरा भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आपने उस चक्कर में आप किसी को भी देख के डेडलिफ्ट नहीं करना है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सरसाइज। तो ये थी आज की टिप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक चैनल पे बने हो तो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको डेडलिफ्ट का वीडियो चाहिए, अच्छे फॉर्म के साथ कैसे डेडलिफ्ट परफॉर्म करते हैं ज़्यादा वेट के साथ, तो वो भी मैं बनाऊंगा। एक शॉर्ट वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो मिलता हूँ आपको अगली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ट्रेन सेफ, एंड साइनिंग ऑफ।